हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे किचन पंक्ति में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी मशरूम की सब्जी, जिसको कि पैरा फुटू भी बोला जाता है, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। चलिए तो फिर इसके लिए मेरे को क्या क्या लगेंगे मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरा एक पाव मशरूम है, इसको पैरा फुटू भी बोलते हैं। ये देखिए, ये ऐसा रहता है। इसको सबसे पहले हम लोग तोड़ लेंगे, मैं आपको तोड़ के बता देती हूँ। पहले इसका छत्ता ऐसे तोड़ लेंगे, ये देखिए, इसको ऐसे तोड़ लेंगे और इसके डंठल को इस तरह बीच से दो टुकड़ा करेंगे। उसके बाद फिर एक दो टुकड़ा, ऐसे चार टुकड़ा करके उसको बीच से फिर ऐसे तोड़ लेंगे। इसी तरह सारी मशरूम हम लोग तोड़ के रख लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब इसको अच्छे से हम लोग इस तरह धो लेंगे। इसका पानी दबाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह दोनों हाथों की सहायता से अच्छे से दबाते हुए इस तरह इसका सारा पानी हम लोग को निकाल देना है, पूरा निचोड़ लेना है। ये देखिए, इस तरह सारा हम लोग दो बार इसको इसी तरह पानी में क्लीन कर लेंगे और इसी तरह निचोड़ निचोड़ कर अच्छे से रख लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको दो बार अच्छे से धोकर अच्छे से निचोड़ कर रख लिया है। अब चलिए इसके लिए मेरे को क्या क्या मसाला लगेंगे मैं बता देती हूँ। देखिए, ये 1.5 चम्मच करीब जीरा है, 1/2 चम्मच धनिया, 8 से 10 काला मिर्च के दाने, 5 लहसुन की कलियाँ, 4 से 5 सूखी मिर्च, 1 बड़ा इलायची, 4 लौंग, 1 तेज़पत्ता, 4 टुकड़ा, मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में दालचीनी का ले लिया है, और 5 छोटी इलायची ले ली है। इसको हम लोग एकदम मिक्सी के सहायता से बारीक पेस्ट इसका तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने मसाला का एकदम फाइन पेस्ट करके तैयार कर लिया है। और एक बड़ी साइज की प्याज मैंने एकदम बारीक टुकड़ों में काट लिया है, 1 छोटा टमाटर जिसको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच से भी कम कलर मिर्च पाउडर, और कुछ सरसों के दाने। चलिए अब हम लोग गैस की तरफ चलते हैं। ये देखिए, मैंने एक कढ़ाई गैस में रख दिया है जो कि गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच के करीब तेल डालेंगे। ये तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सरसों के कुछ दाने, करीब 1/2 चम्मच सरसों डालेंगे। ये जब चटकने लगे तो आँच को कम कर देंगे। और देखिए, हमारा सरसों अच्छे से चटक गया है। अब इसी समय हम अपना प्याज डाल देंगे और इसको मीडियम आँच में हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये देखिए, हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है। गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे अब, और इसमें हमारा पिसा हुआ मसाला डाल देंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे। और इसी समय हम लोग अपना हल्दी डाल देंगे, कलर मिर्च, और इसको भी अच्छे से चलाते हुए 1 मिनट करीब लो आँच में भून लेंगे। ये देखिए, मसाला भूनते हुए मेरे को 1 मिनट करीब हो चुका है। तेल साइड में छोड़ने लगा है। अब इसी समय हम लोग अपना कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और नमक डाल देंगे। और 1 मिनट इसको ढककर कम आँच पर पका लेंगे। ये देखिए, 1 मिनट हो चुका है, मेरा टमाटर हल्का गल चुका है। अब इसी समय हम अपना मशरूम डाल देंगे। और टमाटर में पहले से हम लोग पकने के लिए नमक दिए थे, तो अभी इसमें जितना लगेगा बस उतना ही नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार, और इसको अच्छे से चला लेंगे ताकि मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए
और आँच मीडियम रख के इसको फिर करीब 2 मिनट के लिए ढक देंगे। ये देखिए इसको ढककर पकाते हुए मेरे को 2 मिनट हो चुका है। अब चलिए ढक्कन निकाल के देख लेते हैं। देखिए इसको अच्छा से चला लेंगे। ये अपना पानी छोड़ता है इसलिए बीच बीच में इसको चलाते हुए ढक ढक कर ही पकाना पड़ता है और पानी की ज़रूरत इसमें बहुत कम होती है। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से चला लिया है और जो हमारा टमाटर है वो भी अच्छे से पक गया है। इसको भी हम लोग हल्का हल्का दबाकर मैश कर लेंगे और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे और फिर इसमें ढक्कन लगा के 1 मिनट फिर पका लेंगे। देखिए 1 मिनट हो चुका है। मैं ढक्कन निकाल के दिखा देती हूँ। देखिए अच्छे से हो गया है, तेल भी हमारा छोड़ने लगा है। बस हम लोग को इसी समय इसमें 2 चम्मच करीब पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा। और सूखा सूखा ही बनाएंगे, ज़्यादा इसका ग्रेवी नहीं रखेंगे। अगर ज़्यादा ग्रेवी वाला बनाएंगे तो ये थोड़ा स्वादिष्ट नहीं लगता है। बस चलिए इसी तरह आधा मिनट करीब और हम लोग बिना ढक्कन की से लो फ्लेम में पका लेंगे। ये देखिए आधा मिनट मैंने इसे और पका लिया। बस अब चलिए हम लोग इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये सब्ज़ी हमारी पूरी तरह तैयार है। अब गैस को ऑफ कर देते हैं। ये देखिए मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। इसी समय हम लोग बारीक कटा धनिया की पत्ती थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। अब इसे आप चावल दाल के साथ खाइए या रोटी के साथ खाइए, जिसमें भी आपको पसंद हो उसके साथ खाइए। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए और एक बार घर में कम से कम ज़रूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।